आपको बता दें कि सुबह सुबह का जो है एक वाक्य बेवली से निकल कर आया है, जहां पर 60 साल का एक व्यक्ति जो है वो घास के ढेर में से उसकी लाश मिली है। मैं आपको बता दूं ये बेवली का मामला है और उस शख्स का नाम जो है वो मेहर सिंह बताया जा रहा है, जो कि बतकंडी बेवली का रहने वाला था और आज सुबह ही इसकी लाश जो है वो घास के ढेर में से बरामद की जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस समय वहां पर पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी सबके बीच में काफी बातें जो हैं वो मार्केट के अंदर चल रही हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का मर्डर किया गया है या फिर उसने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है आखिरकार क्या कुछ इस सब में जो है वो हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सब में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और खास करके जो ये मेहर सिंह है सनाफ सोहन सिंह रहने वाला बतकंडी बेवली का रहने वाला था और ये पीएचई के अंदर जो है वो डेली वेजर था, लेकिन एक साल पहले ही जो है वो रिटायर हुआ है और आज जो है वो आज सुबह के समय पर घास के ढेर में से जो है वो इसकी लाश बरामद की जाती है। लेकिन अभी खबरें कुछ इस तरह की तेज हैं कि हो सकता है कि उससे जो है वो पॉइजन दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी हम इस पे कोई भी चर्चा नहीं कर सकते, कोई भी बात नहीं कर सकते जब तक पूरी रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आए, क्योंकि अभी मेहर सिंह की जो है वो लाश को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया गया है और वहां से जब रिपोर्ट निकल कर आएगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके तहत पर भी जो है वो तय किया जाएगा, उसी की रिपोर्ट पर तय किया जाएगा आखिरकार क्या मामला हुआ है वहां पर। और इसी के साथ जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जारी कर दी गई है कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन लोगों से इस पर अपील रहेगी कि मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास ना करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी भी अफवाहों पर यकीन ना कीजिए। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे आखिरकार इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल बाजार में जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं कि आखिरकार वहां पर मर्डर हुआ है, अब अभी उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो रही है, जब तक वहां से रिपोर्ट निकल कर आएगी तब तक हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिलहाल पुलिस की रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन का वेट कीजिए, जब तक रिपोर्ट निकल कर आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे।